आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। तो बेसिकली आपको करना यह है कि इस वीडियो के कमेंट्स में आपको दो क्वेश्चंस डाले हैं, तो दो क्वेश्चंस में से एक होगा वो। तो अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो फोटोग्राफी करते समय आपको अगर कोई इशू आया होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो वो एक क्वेश्चन आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपको अगर कुछ नया सीखना है तो उसके रिगार्डिंग आप वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंशन कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। और अगर कोई टॉपिक बड़ा हुआ या फिर अगर उसका कुछ डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। कमिंग टू आवर टुडेज़ टॉपिक, तो आज का टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है, तो उसने मुझे उनका ऑलमोस्ट फोटोग्राफी उन्होंने सीख लिया, कुछ इंक्वायरीज उनको आए एंड रिगार्डिंग फोटोग्राफी वर्क। उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा था कि हम लोग फोटोग्राफी के लिए क्या चार्जेस कर सकते हैं, कोई भी अगर असाइनमेंट हो तो उसके लिए हमको चार्ज एग्जैक्टली करना क्या है या हम लोग किस बेसिस पे चार्ज करें। उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा कि हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहिए क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोटोग्राफी का क्लासेस कर लिए है, उन्होंने फोटोग्राफी सीख लिए है, टेक्निकल चीज़ें पता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं वो पता है शायद, बट उनको ये नहीं पता कि हम लोग किस बेसिस पे चार्ज करें कोई भी असाइनमेंट के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा उसी के बारे में है और मैं आपको बताने वाला हूँ चार पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट कि जिस बेसिस पे आप फोटोग्राफी के चार्जेस मेंशन कर सकते हो या फिर आप कोटेशन उनको दे सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज़ डेज ऑफ शूट, तो हम लोग कितने दिन के लिए शूट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको उसके हिसाब से आपको चार्जेस वहाँ पे देना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा हूँ तो डेस्टिनेशन वेडिंग नॉर्मली 3 to 4 days के होते हैं, तो वो 3 to 4 days में आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है वो आपको कैलकुलेट करना है और वो हिसाब से आपको वहाँ पे कोटेशन देना है। सेकंड एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि अगर मैं कुछ कमर्शियल शूट कर रहा हूँ, कैटलॉग शूट मोस्टली गारमेंट का होता है, तो गारमेंट में कितने सारे प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि मैं पर डे के हिसाब से भी चार्जेस दूँ या फिर हो सकता है कि मैं पर प्रोडक्ट के हिसाब से चार्जेस वहाँ पे मेंशन करूँ। तो ये है फर्स्ट पॉइंट कि आपको देखना है कि हम लोग कितने दिन उसमें लगा रहे हैं। तो जैसे अगर प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी आप कर रहे हो तो हो सकता है उसमें आपको कितने दिन जा रहे हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट कितने हैं, बट हमको वो देखना है कि हमको दिन कितने लग रहे हैं उसमें शूट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ इक्विपमेंट, तो मुझे ये भी देखना है कि मैं कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेडिशनल फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में हमको ज़्यादातर किट लेंस, बेसिक कैमरा और फ्लैश इतनी ही ज़रूरत पड़ती है, तो हमको वो देखना कि हम लोग क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं स्टूडियो फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो जैसे हम लोग पोर्ट्रेट और फैमिली पोर्ट्रेट्स या फिर हम लोग कजिन्स के फोटोज़ वगैरह निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग अगर स्टूडियो सेटअप कैरी कर रहे हैं तो स्टूडियो सेटअप के लिए मैं 2 lights, फिर मेरा एक कैमरा, उसके बाद मेरा किट लेंस भी होता है उसमें, एंड उसके साथ प्राइम लेंस भी हम लोग कभी यूज़ करते हैं, तो वो देखना है कि हम लोग वहाँ पे कितने इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। थर्ड चीज़ अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वीडियो के लिए मुझे क्या इक्विपमेंट यूज़ करना है, और अगर उसके अलावा मैं कोई कमर्शियल वर्क कर रहा हूँ तो जैसे मैं अगर कैटलॉग फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो कैटलॉग फोटोग्राफी में हमको शायद हो सकता है कि 3-point lighting या 4-point lighting करनी पड़े, तो अभी इतने सारे लाइट्स अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो हिसाब से हमको चार्ज करना है। तो ये सेकंड थिंग है कि हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कितने कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज़ हमारा टीम, सो बेसिकली हम लोग असिस्टेंट हमारे पास कितने हैं और हमारे टीम में कितने सारे लोग हैं जो शूट करने वाले हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि हमारे पास कितने दिन हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर एक बार एग्ज़ाम्पल लेंगे कि अगर मैं डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा हूँ तो जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग में हम लोग अगर 2 या 3 दिन काम कर रहे हैं तो हमको देखना है कि उसमें रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिशनल फोटोग्राफ़र हो, कैंडिड फोटोग्राफ़र हो, तो वहाँ पे 2 फोटोग्राफ़र हो गए। अगर हम कहीं पर लॉन में शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको 2 कैंडिड फोटोग्राफ़र रखने पड़े। उसके साथ अगर 2 कैंडिड फोटोग्राफ़र है तो उसमें से और एक फोटोग्राफ़र है जो स्टूडियो फोटोग्राफी कर रहा हूँ, बट स्टूडियो अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको एक जन हैंडल नहीं कर सकता, हो सकता है हमको एक और असिस्टेंट हमको उसके साथ लगे स्टूडियो फोटोग्राफ़र के साथ कि वो लाइट्स वगैरह हैंडल कर पाए ताकि जो भी काम है वो थोड़ा फ्लॉलेसली हो जाए। ठीक है, यही चीज़ अगर हम लोग वीडियोग्राफी में लें तो वीडियोग्राफी में होता है ऐसा कि हमारे पास सिनेमाटोग्राफ़र होते हैं, बट सिनेमाटोग्राफ़र एक अकेला सिनेमाटोग्राफ़र शूट नहीं कर सकता। अगर वो बिहाइंड द सीन्स या फिर जैसे गेटिंग रेडी वाले शॉट्स ले रहा है
तो उसमें हो सकता है कि उसको दो असिस्टेंट लगे जो लाइटिंग कर सके, लाइटिंग होल्ड कर सके। अभी जैसे हम लोग गेटिंग रेडी शूट करते तो वहाँ पे ज़्यादा मेस होता है, ज़्यादा वहाँ पे छोटी जगह होती है, तो हम लोग को हो सकता है असिस्टेंट कैरी करना पड़े कि वहाँ पे हम लोग लाइट क्विकली मूव कर पाए या फिर लाइटिंग क्विकली कर पाए, तो उसके लिए हमको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो हमको ये देखना है कि हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने फोटोग्राफर्स है, कितने वीडियोग्राफर्स है, तो वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स के हिसाब से हमारे पास कितने असिस्टेंट हमको चाहिए जो हम लोग को काम करने में आसानी हो। तो ये पूरी टीम की हमको रिक्वायरमेंट देखनी है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और हम लोग जब टीम बना रहे हैं तो कितने लोग वहाँ पे बन रहे हैं, तो ये भी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। तो इन सबको लेकर हमको वो एक कोटेशन बनाना है कि हमको बाकी सारों जो टीम है उनको भी पेमेंट करना है। एंड उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे कि हमको अगर ट्रैवलिंग हम लोग कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन वेडिंग तो यहाँ पे होती नहीं है, एक जगह पे तो होती नहीं है, तो फिर हमको वो ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग में अगर ट्रैवलिंग का जो भी एक्सपेंस है वो आपके क्लाइंट कर रहे हैं या वो आप कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमको इसमें इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी, वो डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट अगर आपका ट्रैवल का अरेंजमेंट कर रहा हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, आपको वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो चीज़ क्लाइंट नहीं कर रहा तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं तो अगर उसका लोकेशन 4 to 5 hours है आपके लोकेशन से, तो हो सकता है आपको उसमें ट्रैवलिंग आपको खुद को एक्सपेंस करना पड़े उसमें, तो हो सकता है वो आपकी जेब से जाए। तो बेटर है कि आप वो चीज़ कोटेशन में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि डेज ऑफ शूट, सेकेंड थिंग कि आपको इक्विपमेंट्स आप क्या यूज़ कर रहे हो, और थर्ड थिंग कि आपकी टीम कितनी है, आपके असिस्टेंट कितने हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपको एक कोटेशन बनाना है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप कोई भी असाइनमेंट के लिए चार्ज या कोटेशन देते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एडिटिंग या फिर एनी पोस्ट वर्क हम लोग बोल सकते हैं उसमें। सो अगर मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ कोई भी असाइनमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो, तो डेस्टिनेशन वेडिंग में हम लोग जितने भी फ़ोटोग्राफी करते हैं वो हम लोग एडिटिंग करते हैं। तो उसमें अगर मैं सिर्फ ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफी भी करूँ तो उसमें ऑलमोस्ट 2000 to 3000 फ़ोटोज़ आ जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग में। तो हमको ये सारे फ़ोटोज़ अगर मैं एडिट कर रहा हूँ तो हमको उसमें कितना टाइम लगता है? इतने सारे फ़ोटोज़ ऑब्वियसली हम लोग एज अ फोटोग्राफर या एज अ एडिटर हम लोग क्विकली करते हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपके एडिटिंग स्किल्स। आपने एडिटिंग कैसे सीखी है, अपने खुद ने सीखी है, आपने उसमें अपना टाइम गलाया है, तो वो सारी चीज़ें हमको मेंशन करना, मेंशन नहीं बट वो सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग कोटेशन दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम लोग फोटोग्राफी करके उनको फ़ोटोज़ देंगे, बट हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग उसमें एडिटिंग में कितना हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, अगर मैं कैंडिड फोटोग्राफी भी करूं तो कैंडिड फोटोग्राफी में तो और ज़्यादा मैं फ़ोटोज़ निकालूंगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग नेचुरल फ़ोटोज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए, तो फिर उसमें और ज़्यादा फ़ोटो हो जाते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल, तो उसमें हो सकता है हमारे 4 to 5000 फ़ोटोज़ हो, तो वो सारे हमको एडिटिंग करके देना है। तो जब हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं तो हमारे स्टूडियो में हम लोग वो हमारा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें कोई देखता नहीं है, उनको सिर्फ फ़ोटोज़ दिखते हैं, उनको सिर्फ ये दिखता है कि हम लोग ने उस दिन शूट किया हुआ है, बट जो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क है वो किसी को नहीं दिखता। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये बात हो गई फोटोग्राफी की। अब वही चीज़ अगर मैं वीडियोग्राफी में बताऊँ तो फिर वीडियोग्राफी में अगर मैं ट्रेडिशनल वीडियो भी लूँ तो उसमें हमको एडिटिंग करना पड़ता है। अभी ट्रेडिशनल वीडियो तो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग फुल लेंथ वीडियोज़ हम लोग उनको बोलते हैं, तो फुल लेंथ वीडियो ऑलमोस्ट 1 hour 2 hours के होते हैं। अगर मैं डेस्टिनेशन वेडिंग पे जाऊँ तो फिर उसमें और भी ज़्यादा होंगे, तो इतने सारे टाइम हमको वो पूरा वीडियो देख के उसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें होती है तो हम लोग वो सब कट करते हैं। अगर उसमें कोई म्यूज़िक ऐड करना हो तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम लोग म्यूज़िक ऐड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। अगेन अगर मैं सिनेमैटिक पे जाऊँ तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ है, तो जैसे अगर सिनेमैटिक में तो काफ़ी ज़्यादा फुटेज होता है, उसको हमको 5 to 10 minutes में हमको उसको एडिट करना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोटेशन दे रहे हो, जब भी आप चार्जेस दे रहे हो। इसमें एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, फिफ्थ पॉइंट, वो है प्रिंटिंग या फिर डिज़ाइनिंग फोटो बुक या फिर एल्बम्स, राइट।
ये चीज़ भी उसमें ऐड होती है, बट अगेन दिस इज़ अनदर टॉपिक, तो हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ वो चार पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप कोटेशन दे रहे हो या फिर जब भी आप किसी फोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए चार्जेस मेंशन कर रहे हो। हो सकता है वो फुल डे हो या फिर वो मल्टीपल डेज हो या फिर वो हाफ डे हो, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। सो यस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेंशन करना हो तो आप मेंशन कर सकते हो इन द कमेंट्स। एंड उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी सारे फोटोग्राफी कंटेंट यहाँ पे देखने मिलेंगे।